ब्रज में खेली जाने वाली होली में वृंदावन के प्रियाकांत जू मंदिर में हो रही भागवत कथा और होली मिलन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, जहां यमुना की समस्या और हो रही भ्रूण हत्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में भ्रूण हत्या बढ़ रही है वो चिंता के योग्य है। भविष्य में बेटियां ही इस देश को आगे चलाने में काम आएंगी। बेटी नहीं होगी तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि माँ भी बेटियां ही होती हैं और बहू भी बेटियां ही होती हैं। बेटी नहीं होगी तो ये संसार आगे कैसे बढ़ सकता है। इसके लिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए भी एक पहल की। प्रियाकांत जू मंदिर में कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेटियों की शिक्षा के लिए ठाकुर देव की नंदन ने जो बीड़ा उठाया है वो बहुत सराहनीय है। उसको आगे बढ़ाने के लिए आज उन्होंने उन बच्चों के भविष्य के लिए 6,37,500 रुपए का चेक हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा दिलवाया गया और एक संकल्प लिया गया, जिसमें भ्रूण हत्या ना हो इसके लिए सभी को जागरूक किया और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी लोगों से आग्रह किया। वहीं यमुना के बारे में ठाकुर देव की नंदन ने मुख्यमंत्री को समस्याएं बताई। उस समस्या के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हरियाणा सरकार भी पूरी तरीके से यमुना को साफ रखने में मदद करेगी और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार तीनों मिलकर यमुना को शुद्ध बनाने में संकल्पित रहेंगे। देखिए, मैं आभारी हूँ स्वामी जी का कि इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मैं आज इस कथा के कार्यक्रम में आया हूँ। और विशेष तौर पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज इस कथा जो प्रसंग है होली मिलन का, ये जो कार्यक्रम इस कथा के माध्यम से ही हुआ है और इसमें विशेष तौर पर जो कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में जो एक संकल्प दिलाया गया है वो एक बड़ा सराहनीय काम है। और उसमें हमने अपने हरियाणा का भी विषय उदाहरण के रूप में रखा है यहाँ सबके सामने। हमने पिछले 3 वर्ष में जब से इस अभियान को शुरू किया हमारे यहाँ लिंगानुपात की स्थिति बहुत अच्छी हुई, जो 2014 में 850 से भी नीचे लिंगानुपात की स्थिति थी, आज वो 950 भी कई जिलों में पहुंच गई है और हमारा एवरेज जो है 914 हो गया है। एक अच्छे वेतन समाज के सहयोग के साथ ये हुआ, उसी अनुसार यहाँ भी अपेक्षा की है। साथ में यमुना जी का जो पानी है वो एक प्रकार का जो प्रवाह चल रहा है, दूषित पानी का यहाँ चल रहा है। साफ पानी का प्रवाह कैसे यहाँ चले, तो इसके लिए हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सब मिल करके और इस हम प्रयत्न को कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो गंदा प्रदूषित पानी है यमुना का वो समाप्त हो, वो ना इसमें अगर डाला जाए और साफ पानी का प्रवाह वो वृंदावन तक और कहीं से भी आगे तक वो जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार पूरा सहयोग करेगा। पहली बार सरकार जो है वो लठावर होली के लिए बरसाना में क्या कहेंगे? हाँ, मेरा आज पहली बार ये अवसर है, ये पहला मौका है और मैं इस बसाना की नंदगांव की जो होली है इस अवसर का पूरा लाभ भी उठाऊँगा और एक उत्साह से, एक उमंग से ये संदेश हरियाणा में भी जाएगा। हरियाणा उत्तर प्रदेश दोनों के जो मुख्यमंत्री दोनों की सरकारों के नाते से हम शामिल होकर के स्थापित करेंगे। 2019 तैयारी है, होली का केवल दिखावा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, समाज के उत्सव को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, हर उत्सव को मनाना चाहिए। जो लोग इन उत्सवों की महत्व को नहीं समझते हैं वो इस प्रकार के नाप सुनाप बातें हमेशा करते हैं। खट्टर साहब, आप आदमी के प्लीज सर, प्लीज थैंक यू।